पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के भतीजे और खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की पजेरो गाड़ी की मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत होने से मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों में से दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को जिला अस्पताल झांसी रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी अपनी पजेरो गाड़ी से जा रहे थे, उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारते हुए मौके से भाग गए। ऐसा आरोप मृतकों के परिवार वालों ने लगाया है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार ब्रजेंद्र पुत्र रतिराम अहिरवार उम्र 26 और रवि पुत्र नंदराम अहिरवार उम्र 30 वर्ष निवासी झिंगुआ की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा व्यक्ति मदन पुत्र टुडू अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी बरेठी थाना मोहनगढ़ का इलाज झांसी में चल रहा है। घटना स्थल से विधायक के भाग जाने से नाराज ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया, जो देर रात तक चक्का जाम रहा। राहुल सिंह लोधी खरगापुर विधायक के खिलाफ पुलिस द्वारा FIR दर्ज हो चुकी है एवं गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। SW24 न्यूज के लिए मनोज खरे की रिपोर्ट। गाड़ी जब चाहते साहब, पहली बात तो जैसे एक्सीडेंट हुआ वहाँ गाड़ी को जब्त करवा लो, हमें FIR करवा रहा सब रात है। यार एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी रखे रहोगे यहाँ पे, जो कार्रवाई करेंगे वो हम पर लग जाए। क्या हुआ साले? एक्सीडेंट हुआ। किसकी गाड़ी? विधायक जी की। से हुआ? कौन बताया? राहुल जी। बाज बीजेपी ये खरगापुर वाले हैं अपने लिए। कैसे वो थे क्या उस गाड़ी में? जी सब थे उसमें। रुके नहीं वो? नहीं साहब। कहते बोल नेम प्लेट भी गिर गई उनकी यहाँ पे। वो कहाँ पे था? रोड क्या हुआ? कहते साहब एक्सीडेंट होगा, हम जा रहे थे जिन वहाँ से आ रही थी, लौट रहे थे। हाँ कैसे हुआ? अब जान बता सके साहब जिस चीज़ के कैसे हुआ है। और हम उनके ससुर हैं साहब, छोटे छोटे बच्चा है 3 की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।